Hey guys, welcome back and welcome to Diva Log. Most of the girls को eyeliner लगाना बहुत पसंद होता है, but main problem ये आती है कि वो wing बन नहीं पाता है और eyeliner कोई पतला कोई मोटा हो जाता है और उसको even करने के चक्कर में पूरा makeup भी खराब हो जाता है. Mostly लोगों को liquid eyeliner से eyeliner draw करने में बहुत problem आती है, तो आज मैं आप लोगों के साथ share करने वाली हूँ एक pen eyeliner का review. I know pen eyeliners काफी ज़्यादा expensive आते हैं, बट फाइनली मुझे एक पेन आईलाइनर मिला है. एक्चुअली मुझे इसे लिए हुए कुछ मंथ्स हो चुका है. ये मेरा फेवरेट पेन आईलाइनर है. मेरे पास और पेन आईलाइनर्स भी है जो 500, 600, 700 की रेंज के हैं. ये आई थिंक 105 या 110 में मैंने कुछ परचेज करा था, उनसे ज्यादा बेटर है ये. मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे ब्लू हेवन के लाइन एंड डिजाइन स्केच आईलाइनर की. ये वीडियो ब्लू हेवन ने स्पॉन्सर नहीं करा है और ना ही ये मुझे पीआर में रिसीव हुआ है. ये मैंने अमेजोन से परचेज करा था. पहले मैं आपको उसकी पैकेजिंग दिखा देती हूँ. वो इस तरीके के पैकेजिंग में आता है, लाइक सिंपल एक पेन. ये एक ग्रीन कलर की कुछ पैकेजिंग में आया था, बट मुझे लिए हुए कुछ मंथ्स हो चुका है तो वो तो मैंने फेंक दिया. अभी 2-3 दिन पहले मैंने चेक करा था तो इसका MRP आई थिंक ब्लू हेवन ने अभी कम करके 125 रुपीज करा है. बट ऑनलाइन कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट हमेशा मिल जाता है एंड लोकल मार्केट से जब आप खरीदते हो तो आपको कुछ 5-10% तो वो डिस्काउंट दे ही देते हैं, तो आपको ये इजीली 100 या 105 रुपीज में मिल जाएगा. तो ऐसे है इसका आगे का टिप. काफी परफेक्ट और फाइन टिप है इसका. इससे आप पतले से पतला आईलाइनर ड्रॉ कर सकते हो. इससे आराम से आप विंग बना सकते हो. मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कितना पतला मैंने ड्रॉ करा है. आप इससे पतला भी ड्रॉ कर सकते हो. पूरा कंट्रोल रहता है इससे जब आप आईलाइनर ड्रॉ करते हो. तो अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो, प्रॉपर विंग बनाना नहीं जानते हो, तो पेन आईलाइनर्स बेस्ट होगा आपके लिए. और अगर आप एक अफोर्डेबल रेंज में ढूंढ रहे हो तो आप ये ले सकते हो. एंड अगर आपका बजट है भी 500-600 का परचेज करने का, तो भी मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी बिकॉज ये बेस्ट है 500-600 के जो दूसरे पेन आईलाइनर्स आते हैं उनसे. सो ये काफ़ी ब्लैक है. मैंने तो बहुत हल्का सा टच करके ड्रॉ करा है. मैं आपको प्रॉपर यहाँ पे और ड्रॉ करके दिखाती हूँ. ये बहुत ब्लैक है. ऐसा नहीं है कि सस्ता है तो थोड़ा चारकोल ब्लैक होगा या कुछ डार्क ग्रे होगा. नहीं, प्योर प्योर ब्लैक कलर है. जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है इसे परचेज करे हुए. मैंने बहुत इसे यूज़ कर लिया है, तो मैं आपके साथ सीधे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ मुझे कैसा लगा इसको यूज़ करके. मैंने एक्चुअली 5-6 पॉइंट्स कुछ नीचे लिख रखे हैं, पहले से लिख रखे थे. तो जो जो मुझे जैसा जैसा लगा है मैंने सब कुछ नोट डाउन करके रखा हुआ है, वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सबसे पहली चीज़, ये परफेक्ट है ऑयली आईलिड्स वालों के लिए. आई नो इंडिया में मोस्टली लोगों का प्रॉब्लम है ऑयली आईलिड्स. कुछ भी लगाओ तो वो हट जाता है, फेड हो जाता है, क्रैक हो जाता है. ट्रस्ट मी, इसके साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है. बिकॉज मैंने काफ़ी मंथ्स पहले अमेजोन का हॉल वीडियो शेयर करा था, तब मैंने ये दिखाया था. तो मैंने इसे समर्स में ट्राई करके देखा है. रिव्यू करने के लिए मैंने ट्राई करा था कि आइस के ऊपर कितनी देर तक ये स्टे करता है. ये बिल्कुल भी आइस से हटता नहीं है. कितनी भी गर्मी हो आपकी आईलिड्स पे, कितना भी लाइक स्वेट आ रहा हो, कितनी भी आपकी ऑयली आईलिड्स हो, ये बेस्ट है उनके लिए जिनकी ऑयली आईलिड्स होती है. और एक चीज़ जिसकी बहुत अच्छी है कि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है. लाइक आपको लगा के उसको वेट नहीं करना पड़ता है कि ये ड्राई होगा उसके बाद मैं दूसरा मेकअप कर पाऊँगी या मैं टच कर पाऊँगी. ये क्विक ड्राई आईलाइनर है, ये भी इसकी एक बेस्ट चीज़ है. और एक चीज़ की ये स्मच प्रूफ है. जैसा मैंने बोला ना कि ऑयली आईलिड्स के ऊपर हटता नहीं है, तो अगर आपकी आईलिड्स जो है थोड़ी ऑयली है, ऑयल आ रहा है और आप पहुँच रहे हो, हैंकी लगा लियो, हाथ लगा लिया है, तो वो स्मज नहीं करेगा. ये भी इसकी एक बेस्ट चीज़ है आई थिंक. इसलिए मैंने सोचा कि मैं दीवा लॉक की सीरीज़ में ये आईलाइनर शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ. और एक चीज़ की ये वाटर प्रूफ भी है, तो अगर आपको बहुत स्वेट आता है या अगर आपने मेरा ये वीडियो काफ़ी दिन बाद देख रहे हो या आप इसको खरीद के यूज़ कर रहे हो और बारिश के टाइम पर आप कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं से बारिश का थोड़ा बहुत छीटा लग गया है या थोड़ा सा बारिश का पानी लग गया है, तो ये हटेगा भी नहीं स्वेट से, बारिश से या कैसे भी. ये वाटर प्रूफ है तो पानी लगने से भी नहीं हटता है. ये भी इसकी एक अच्छी चीज़ है. और एक चीज़ जो मुझे इसकी बहुत पसंद है वो है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है. बहुत बार ऐसा होता है कि सुबह आप आईलाइनर लगा के घर से जाते हो, चाहे ऑफिस, कॉलेज या बाहर घूमने के लिए, थोड़ी देर कुछ 4-5 घंटे बाद वो थोड़ा फेड हो जाता है, कुछ आधा आधा हट जाता है, विंग गायब हो जाता है, कभी अंदर से वो आईलाइनर इनर कॉर्नर से हट जाते हैं.
इसके साथ ऐसा नहीं होगा। अगर आप सुबह लगा कर जाओगे, रात तक जब आप इसको खुद से नहीं रिमूव करोगे, ये रिमूव नहीं होगा, ये वैसा ही रहेगा। मेरे हाथ में यहाँ लगाए मुझे काफ़ी देर हो गई है। आप देख सकते हो मैं प्रेशर देके इसको इसके स्मज कर रही हूँ, ये स्मज नहीं हो रहा है, इसलिए फेड भी नहीं हुआ है। और मैं इतना प्रेशर देके, तो आप अपनी आईज को रब करोगे नहीं, तो अगर हल्का बहुत हाथ लग जाता है आई में, हल्का सा रब हो जाता है, तो वो हटेगा नहीं। मैंने तो कितनी बार रब किया आपके सामने, तो अगर इतना रब करने के बाद नहीं हट रहा है तो ये पानी से भी नहीं हटेगा। मैंने थोड़ा सा पानी डाल के टेस्ट पहले ही कर लिया था इस वीडियो के पहले, जैसे मैं आपको बता सकूं। मैं आपको इसको लगा के भी प्रॉपर दिखाऊंगी कि ये लगाने के बाद कैसा लगता है। ये मैट ब्लैक नहीं है, इसमें थोड़ी सी शाइन है जो ऑनेस्टली फेस्टिव टाइम पे बहुत सुंदर लगती है। एंड और एक चीज़ मुझे बतानी है कि ये बहुत ही पतला छोटा सा है, तो आप चाहो तो इसको पॉकेट में रख के भी घूम सकते हो, वॉलेट में भी चला जाएगा, अगर इन केस आपको कभी लगे कि मुझे टचअप करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि इसके साथ पड़ेगी नहीं, बट फिर भी अगर आपका मन है तो आप इसको वॉलेट में भी कैरी कर सकते हो। इट्स वेरी ट्रैवल फ्रेंडली, पॉकेट में, वॉलेट में, कहीं भी चला जाएगा। और अगर सपोज आप ट्रैवल ही कर रहे हो प्रॉपर कहीं दूसरे सिटी में, तो भी आप इसको आराम से कैरी कर सकते हो। ये ग्लास बॉटल नहीं है कि फूटने का इसका डर होगा। अब लास्ट में मैं आपको एक बार इसको लगा के दिखा देती हूँ, इस आईलाइनर को लगाने के बाद सब कैसा लुक आता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरी दीवा लॉक की ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। एंड अगर आप और वीडियोस नहीं देखे हैं पहले दीवा लॉक की, तो प्लीज जाके मेरे वो वीडियोस भी देख लेना। सो मिलती हूँ मैं अब आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।